पुणे से लगभग 48 किलोमीटर दूर जेजुरी अपना खंडोबा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रमुख तीर्थ स्थल में एक है। इसे मराठी में जेजुरी खंडोबा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। तो चलो शुरू करते हैं। जेजुर में स्थित खंडोबा मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर विराजित है। यहाँ पहुँचने के लिए करीब 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। जेजुर के इस प्रसिद्ध मंदिर को देवता खंडोबा देवता है, जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा। जेजुरी नगर भगवान खंडोबा को समर्पित है। भगवान खंडोबा को मारथंड, भैरव और मल्लार नाम से भी जाना जाता है। जेजुर के खंडोबा देवता भगवान शिव का ही रूप है। मराठी में किसी बड़े के सम्मान में नाम के बाद बा, राव या राया लगाया जाता है। इसीलिए भगवान खंडोबा खंडाराया खंडाराव नाम से भी पुकारा जाता है। खंडोबा की प्रतिमा एक योद्धा के रूप में है। खंडोबा का महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार राक्षस मल्ला और मणि को ब्रह्मदेव से वरदान मिला था, इसीलिए राक्षस भूमि पर आतंक मचाने लगे। ये सब देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और मार्तंड भैरव अर्थात खंडोबा का अवतार लिया और दोनों असुर का वध कर दिया। उस समय भगवान खंडोबा सुनहरे सूरज की तरह लग रहे थे और पूरी शरीर पर हल्दी लगी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें हरिद्रा भी कहा जाता है। भगवान जेजुरी खंडोबा का ये मंदिर मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग मंडप कहलाता है और दूसरा भाग गर्भगृह है, जिसमें स्वयं जेजुरी खंडोबा विराजित है। मंदिर के हर कदम पर हल्दी का छिड़काव किया गया है, जिसकी वजह से इसे मराठी में सोन्याची जेजुरी कहते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों की कथा नहीं सुनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर देखना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय मल्लार, जय खंडोबा।